आगे बढ़ेंगे। वहीं एक दिवसीय दौरे के दौरान लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन बुधवार को रामदेवरा पहुंची। हेलीकॉप्टर से रामदेवरा पहुंचने पर पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हेलीपैड पर पोखरण विधायक शैतान सिंह राठौड़, बीजेपी के जिलाध्यक्ष जुगल किशोर व्यास समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महाजन का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। स्वागत के बाद महाजन सीधे बाबा रामदेव की समाधि पर पहुंची, जहां पंडित विष्णु कुमार छंगाणी ने सुमित्रा महाजन को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बाबा की समाधि की पूजा अर्चना करवाई। महाजन ने लगभग 20 मिनट तक समाधि की पूजा अर्चना कर पंचामृत से समाधि का अभिषेक किया। साथ ही सुमित्रा महाजन ने समाधि पर मखमली चादर चढ़ाकर मेवे और मिश्री का भोग लगाकर अमन चैन और खुशहाली की कामना की। महाजन ने बाबा रामदेव की जीवन चरित्र पर राज्य सरकार की ओर से निर्माण करवाए गए पैनोरमा का भी अवलोकन किया। पैनोरमा के निरीक्षण के बाद महाजन हेलीकॉप्टर से जोधपुर के लिए रवाना हुई। के कई लोग यहाँ पर आस्था रखते हैं, हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग भी आस्था रखते हैं। बहुत साल से उनकी इच्छा चल रही थी तो आज यहाँ दर्शन के लिए आई हूँ। कोई कारण नहीं उसके पीछे, केवल बाबा रामदेव जी के दर्शन के लिए और उनसे यही प्रार्थना करने के लिए कि भारत की रक्षा करो, भारत का जीवन सबका खुशहाल।